शायद ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट लॉ होगा जो आज आपको वो सिखाएगा जो कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाता, जो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। लॉ 3 फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर कहता है, ज्यादा बोलने से बचो। दोस्त, आज मैं तुम्हें इस वीडियो से वो सिखाने वाला हूँ जो तुम्हें जिंदगी भर काम आने वाला है। सीखोगे कि जरूरत से कम बोलना क्यों जरूरी है, कैसे ज्यादा बोलने की वजह से लोगों की जान तक जा चुकी है, और कैसे आप कम बोल के खुद को अपने ग्रुप का सबसे स्मार्टेस्ट बना सकते हो, सामने वाले की मन की बात जान सकते हो और हासिल कर सकते हो, जिसे कहते हैं पावर। दोस्त कहते हैं, वाइज मैन सेज बिकॉज दे हैव समथिंग टू से एंड फूल सेज बिकॉज दे वांट टू से समथिंग। दोस्त, एक समझदार इंसान इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास कुछ बोलने के लिए है, और बेवकूफ इंसान इसलिए बोलता है क्योंकि उसे बोलना है। अब जितना ज्यादा बोलते हो उतना ज्यादा कॉमन दिखते हो। दोस्त, रिसर्च कहता है एक इंसान के दिमाग में एक दिन में 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है कि आपको किसके सामने कितना बोलना है। और ये किस्सा जहाँ सिर्फ ज्यादा बोलने की वजह से एक इंसान की जान तक ले ली गई। बस 1825 में निकोलस वन रूस के सिंहासन पे बैठे थे और वहाँ विद्रोह का माहौल था। वहाँ के नागरिक चाहते थे कि रूस में नए बिजनेसेस लगे, पर राजा ने बढ़ता हुआ विद्रोह देख के एक नेता को वहाँ फांसी लगाने का निर्देश दे दिया और अगले ही दिन उसे फांसी लगाई गई। लेकिन जैसे ही उसे लटकाया जाता है रस्सी टूट जाती, और उस जमाने में ऐसा कुछ होना भगवान का फरमान माना जाता था और सजा से बख्श दिया जाता था। पर जैसे ही रस्सी टूटी और नेता को पता चला कि उसे मारा नहीं जा सकता, उसने खुशी से चिल्ला के बोला कि रूस की सरकार कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती, उन्हें तो ये रस्सी तक बनाना नहीं आता। और ये बात जैसे ही राजा को पता चलती है वो माफीनामा फाड़ देते हैं, सिर्फ उसकी कही गई बात को गलत साबित करने के लिए कल फिर से फांसी लगाने का आदेश दे देते हैं। और दोस्त, इस बार रस्सी नहीं टूटी। दोस्त, हमेशा जितना बोलना है उससे कम बोलना सीखो, क्योंकि आप जब बोलते रहते हो तो अनकॉन्शियसली आप इतनी चीजें बोल देते हो जो आपको किसी से नहीं बोलनी चाहिए, और जब तक आपको इस बात का एहसास होता है बहुत देर हो जाती है। आपको पता ही नहीं कैसे लोग आपके मुंह से आपके सीक्रेट्स निकलवा लेते हैं। चाहो तो ये गेम आप किसी भी उस इंसान के साथ खेल सकते हो जो ज्यादा बोलता है। बस आपको उससे इतना कहना है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक बात पता चली, और आप देखोगे कि वो बिना सोचे समझे उस बात पे रिएक्ट करना शुरू कर देगा, और बिना सोचे ज्यादा बोलने का, जिसे उसे बाद में पछतावा होगा। दोस्त कहते हैं, आप धीरे धीरे जितना स्मार्ट होते जाते हो उतना ही कम बोलना शुरू कर देते हो, पर ज्यादा बोलने का नुकसान तो समझ में आ गया, कम बोलने का फायदा क्या होगा। दोस्त, जब आप कम बोलते हो तो ज्यादा सुनते हो, जिससे आपकी लर्निंग और लिसनिंग दोनों शार्प होती है। जब आप कम बोलते हो तो सामने वाला आपको इम्पोर्टेंट समझता है। दोस्त, जब आप बहुत देर तक चुप रहने के बाद बोलते हो आपकी बातों में वजन बढ़ जाता है, लोग ध्यान से आपकी बातें सुनेंगे। दोस्त, ये बात हमेशा याद रखना, द मोर यू स्पीक द मोर इज द चांस ऑफ सेइंग समथिंग स्टूपिड। अगर जरूरी नहीं है तो जरूरी है कि उसे ना कहा जाए। दोस्त, मजाक में भी किसी को बुरा भला बोलने से पहले 10 बार सोचो कि आप कोई दुश्मन तो नहीं बना रहे। दोस्त, आपको भी ऐसे बहुत से इंसिडेंट याद होंगे जब किसी ने आपके बारे में बुरा बोला और आज तक वो बात आप भूले नहीं। दोस्त, कम बोलो और अच्छा बोलो। कम बोलने से मिलेगी आपको पावर, और अच्छा बोलने से मिलेगी आपको रिस्पेक्ट। दोस्त, शब्द भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है, इसे दूसरे के भले के लिए इस्तेमाल करें। उसे याद रखना, आप जितना अपने बारे में कम बोलोगे लोग उतनी ही ज्यादा आपके बारे में बात करेंगे। अंत में लिखा है, जब आप कम बोलेंगे तो हमेशा शक्तिशाली नजर आएंगे। लॉ 4 की पावर अब आपके हाथ में है। दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हो तो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो ज्यादा बोलते हैं। बाकी लॉ नहीं देखे तो जरूर देख लेना। दोस्त, इस चैनल का टारगेट है कि अगले 2 महीने में इसमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं, जिसमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल फ्लाइट के साथ। दिस इज आशीष, बाय बाय।